चैनल। हाँ जी पता लग रहा है, गोल्ड ब्रदर्स अपने टीम आज फाइनल मैच है, फाइनल नहीं सॉरी टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच है। तो सुबह 7:30 उठे थे, तो अब टाइम कितना हो रहा है, 9:01। तो अब बस 10:30 का वैसे टाइम दिया, 11 बजे ही जाएंगे, 11 बजे तक अपना पहला मैच शुरू हो जाएगा। और आज पूरे जो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उसका पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा। वैसे अपनी तरफ से 100% देंगे सारी टीम, पता है सारी जने मेहनत कर रहे हैं, कोई कमी पेशी रहेगी भी तो वो आप में भी पूरी करेंगे, लेकिन बाकी कैसे भगवान ने चाहे बालाजी ने चाहे, पर जीत के जरूर आएंगे। पर कल से भाई, कल से इतना हो रहा है कि बस ये आज का दिन जल्दी आए और अपना मैच हो। और धक धक ते हार्ट बीट बोल रहे हैं ना, तेज हो रही वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम निकल रहे हैं। 9 बज गए, अब 11:30 बजे अपना मैच है, 10:30-11 बजे मैच है। तो भाई साहब वैसे हार्ट बीट फास्ट होती जा रही है। लालू भाई अपना पहले ही वहीं पे पहुंच गया हूँ अपनी टीम वगैरह को सारे लेके, तो मैं और गट्टू जाने लगा भाई। मेरे को तो टी शर्ट मिल गई, गट्टू भी पता नहीं कौन ले गया, मैंने गट्टू को पहले ही बोला मैं, गट्टू मेरे को मेरी टी शर्ट चाहिए भाई, क्या उनसे भी लेके देना मेरे को जी। तो अब घर से निकल चुके हैं और यहाँ से अपने को 30 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं और अपने 15 मिनट का रास्ता जो है वो क्रॉस कर लिया हुआ है। बस 5-10 मिनट में वहाँ पे ग्राउंड में पहुँच जाएंगे और एक मैच चल रहा है वो ओवर होते ही फिर अपनी टीम का मैच है। और आज जैसे मर्जी करके टीम को अपना जिताना, फुल सपोर्ट करना है, रोला रप्पा पूरा करके जाना है। हाँ जी तो फाइनली ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। बढ़िया बढ़िया, पता है भाई इसीलिए तो वेयर करके आए यार। और ग्राउंड पहुँच चुके हैं भाई साहब, ये स्कोर बन चुके हैं तो अब उन्होंने बनाया 200 कुछ स्कोर। और फिर यूं कर लो ऐसे नहीं, यूं कर लो। अब हाथ लगा कॉलिंग कौन निकाल हाथ में, दबा के रखना है इसे, दिखाना नहीं है। नहीं ठीक है लाला, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। सीन क्या हुआ कि यार थोड़ा सा टॉस में ना गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को बॉलिंग चाहिए थी और बॉलिंग मिली है। और ये अपने सारे गोल्ड ब्रदर्स की जो टी शर्ट वेयर करी है सपोर्टर्स और प्लेयर्स। अभी दूसरा मैच ना अभी चल रहा है, मे बी ये शायद ही जीते क्योंकि भाई उन्होंने तो 70 बना दिए 4 ओवर में और इनके अभी पीछे ही चल रहे हैं। मैच फाइनली शुरू होने वाला है और लालू की टीम पूरी तैयार है, दूसरी टीम आने वाली इधर अपने वहाँ पे बैठी हुई है। तो जस्ट फ्यू मिनट्स फिर मैच शुरू हो जाएगा। और जितनी इतने दिनों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतनी देर से वेट कर रहे हैं, वो आज दिन आ ही गया। ये अपना लाला जी गेंद को अपने करीब आने दे रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी अब तक पुलिस के बाहर, बस वो एक शॉट जिसके पीछे वो गए। बयालीस पे एक विकेट, लालू भाई की टीम ने एक विकेट ले लिया, मेन प्लेयर की जो विकेट थी वो ले ली। अब मैच में कुछ कहन हो सकता है। 3.2 ओवर में 42 स्कोर और एक विकेट, मैं भी बोल ही रहा था मैं कि एक विकेट आ जाएगी ना तो सही हो जाएगा मैच, और विकेट आ गई। एक और धीमी गति गेंद जिसको जाने दिया भाई साहब, विकेट एक और, स्कोर 12 स्कोर आए इस ओवर में और विकेट गए, दूसरी विकेट। और ओवर की बहुत अच्छी समाप्ति हुई, 59 पे 2 आउट और 5 ओवर हो चुके। और ये मनीष भाई की अर्धशतक होने वाली चोट पड़ा, देखते हैं इस बॉल में क्या चेंज होता है, होती नहीं होती। मैं बोल ही रहा था, देख लिया अर्धशतक होने से रहेगी भाई। हाँ जी तो 84 पे 3 आउट हो चुके हैं
और 8 ओवर हो गए हुए हैं तो पावर हिट रहे हैं, देखते हैं अब क्या बनता है इनका भी, विकेट जाए तो मजा आए। तो भाई साहब तो एक और विकेट चली गई, मेन मेन प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, बस एक ओवर बचा है वो भी आउट हो जाएगा तो गेम दबाव में आ जाएगी। 9.2 ओवर 2 बोले हो गई है। मैं आपको जिस प्लेयर का बोल रहा था ना, दिलीप जोशी हार्ड हिटर है इनके टीम का, वही आउट हुआ है भाई साहब। और दूसरा पड़ा हर्षवर्धन, एक वो भी आउट हो गया, तो दबाव में पूरी टीम भाई साहब इस टाइम दबाव में है। हर्षवर्धन भी हो गया तो दबाव में आ जाएगी पूरी, फिर मैच अपनी थोड़ा से पलड़े में आ सकता है। 10 ओवर हो चुके हैं पूरे, 98 स्कोर है। और इधर अपना भी थोड़ा सा पेट पूजा कर लीजिए, अब ब्रेक का थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक, पहले ओवर डाला और उसके बाद साथ में फिर से आउट, दबाव में बोल रहे दबाव में टीम। और भाई साहब एक और विकेट, दबाव में पूरी टीम, बोल रहा था ना उसके बाद दबाव में आ जाएगी पूरी टीम, देखा दबाव में। अब नहीं बनते भाई, प्रोजेक्टेड स्कोर 200 प्लस दिखा रहे थे, अब तो 98 पे इनके विकेट उठ रही है पूरी, 6-7 आउट हो गए इनके पास, देखता हूँ मैं भी एक बार क्या है। 98 पे 6 आउट, 10 ओवर 2 बोले हो गए, अब तो बन जाए साथी होगा जो उनका साथ निभाएगा, एक साझेदारी उनके साथ, अब नहीं बनेगी, अब साझेदारी खत्म हो गई, अब नहीं बनेगी। कमाल की गेंदबाजी कमल शर्मा, अभिषेक हैट्रिक और भी नहीं होगा, ढकला था पर लेकिन सीधे बल्ले से खेला, हैट्रिक का था भाई की, हो जाती तो बढ़िया थी। अब भाई साहब सामने वाले की टीम को डर लग रहा है, बोल रहे ओवर निकल जाए कैसे, भाई साहब एक ओवर आउट, बस पूरा दबाव में इस टाइम, अब तो भाई 120 ही नहीं बनते इनसे पक्की बात, दबाव में गॉड ब्रदर्स का दबाव। पिछला ओवर में इन्होंने एक स्कोर भी नहीं बनाया और इनकी विकेटें गिरी हैं बस। कोई नहीं दबाव में फिर भी टेंशन नहीं लेनी, दबाव में 120 तो नहीं बनते भाई, दबाव में ये पूरे, बाकी जैसे हनुमान जी ने चाहा। और भाई साहब ये होगी 9 बॉल, तो 9 बॉल पे देखते हैं मेहमानों ने। अब ये हमारे भागीरथ जी हमारे बहुत कॉमेडियन पर्सन है भाई, और मस्त खेल रहे हैं, इन्होंने भी विकेट लिए बीच में। हर्षवर्धन की वेट कर रहे थे कि ये चले जाए, दबाव में आ जाएगी पूरी टीम, अब तो बस मैच हाथ में ही अपने, अभी 7 ओवर बढ़े, बाकी गेम चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, दोनों टीम के बारे में दोनों स्ट्रॉन्ग थी, पर जीतेगी तो भाई अपनी टीम ही जीतेगी। 122 पे 7 आउट 14 ओवर हो गए भाई साहब, दबाव में पूरी टीम, 150 से ज्यादा तो नहीं पड़ता भाई, इतनी गारंटी है, 130 ही बन गए, वो बहुत बड़ी बात है इन सब के लिए, जोटवाड़ा से बैटिंग बहुत बड़ी बात है, 130 ही बन जाए तो। पर अभी सारे बैट्समैन आउट हो चुके हुए हैं, 7 हो गए, अब 3 रह गए, मजा आ जाएगा भाई साहब, 130 से पहले आउट हो गए ना ऑल आउट तो मजा ही है, बोल रहे 130 ही मुश्किल हो जाएंगे भाई साहब तो आउट, 124 पे 8 आउट हो गए, 2 रह गए, अब थोड़ा सा एक चीज बता दूं कि ये जोटवाड़ा स्पार्टन ऐसी मत समझना आपने, ये तगड़ी टीम है और इनको 8 आउट करने बहुत मतलब बड़ी बात है, क्योंकि मेहनत की है भाई साहब लालू ने, लालू और लालू की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और उसका फल ही मिल रहा है, बस जीत जाए यार आज। भाई साहब दबाव में इतने कि सिंगल भी नहीं ले रहे, इतना दबाव में आ गए, सिंगल से डर रहे,
टीम ये भी तगड़ी थी, पर भाई साहब गॉड ब्रदर्स तगड़ा खेल रहे इस टाइम। और वैसे भी हमने सोचा हुआ था कि हमें फील्डिंग करनी है पहले। 143 पे नो आउट हो चुके, सिंगल रह गया आउट। और वैसे हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग 150 160 के अकॉर्डिंग अंदर स्कोर होंगे तो हमारे पास प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब देखो विकेट जाएगी मेरे को लग रहा है। 147 पे 9 आउट और लास्ट ओवर है, इस पे देखते हैं कि 150 होता है पूरा या नहीं। ए विकेट चले जाए, मजा। यहाँ पर फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, 4 रन मिल जाएंगे और इसी के साथ 150 रन पूरे होते हुए यहाँ पर स्वागत है। लास्ट गेंद, अब इस पे क्या बनता है? अंदर ने गिरा गेंद फाइनली की तरफ जाती हुई, 153 स्कोर सही है, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या आउट होगा यहाँ पर? आउट होगा, बाहर का शॉट, आउट हो गए भाई। और इसी बैट्समैन अब जा रहे हैं, अक्षय और आकाश दोनों भाई जीत के ही है ना भाई, इस बार जीतेंगे भाई। 150 कुछ ज्यादा स्कोर नहीं, जाओ। 1.4 और बॉल्स में 14 रन बन चुके हैं और चौके और छक्कों की बारिश हो रही है भाई की तरफ से। और गोड ब्रदर्स आकाश और अक्षय बढ़िया खेल रहे हैं। छोड़ देता लास्ट गेंद, मतलब 6 ओवर की 5.5 हो गई है, 6 हो गई है। अब देखते हैं इस पे क्या कमाल। अरे बाप बाप बाप, सिंगल 6 ओवर 49। और भाई साहब जो लास्ट बॉल थी ना वो नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने दिया नहीं। अब इस बार लालू अंदर गया, लालू भाई नो बॉल नहीं थी, इसलिए बोला कि हाँ भाई वाइड थी तो हाँ भाई 3 वाइड हो गई तो नो बॉल था। और हुआ क्या कि भाई साहब नो बॉल थी लेकिन उन्होंने बॉल काउंट कर ली और 6 ओवर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अपना स्कोर है 49। ठीक है, एवरेज स्कोर है, ऐसे चलते रहे तो सही है, एक आउट ही है। लालू भाई लड़के आ रहे हैं, बोले कि हाँ भाई साहब नो बॉल थी, आपने बॉल काउंट करवा दी और एक सिंगल स्कोर पर 49 स्कोर हुआ। अरे बजाते कमल भाई जा रहे हैं। अब ये भाई ये तगड़े प्लेयर हैं, बॉलिंग भी और बैटिंग भी, ऑलराउंडर है तगड़े। और क्या है कि 11 ओवर 5 बॉलों में 93 स्कोर हो चुके हैं और 2 आउट है अपने। थोड़ा सा अपना इधर पेट पूजा में बिजी हो गए थे और कमल भाई ने भी चौका मारा। हाँ जी, तो स्कोर हो चुके हैं 111 15 ओवर में और 3 आउट हुए अपने। अभी दोनों तरफ लड़ा है, देखते हैं क्या बनता है। 15 ओवर की पहली बॉल डलने वाली है बस, और अब पहली बॉल डलने वाले छोटी हो गई। और ये मैचेस एक तो क्रिक हीरो वहां पे भी
जो है स्कोर आपको दिखाई जाएंगे, और दूसरा आपने लाइव मैच देखना तो वहाँ पे यूट्यूब पे आ रहे हैं। हाँ जी, तो चार ओवर अब अपने को स्कोर चाहिए 39, 24 बॉल हो गए 39। Hours later. हाँ जी, तो अब घर पे आ चुके हैं भाई, पूरे टाइड हुए पड़े, नींद आ रही मेरे को, तो अब थोड़ा बस फ्रेश होके एक बार फिर उसके बाद रेस्ट करूँगा। आपने देख ही लिया सारा मैच, और आपको बता दूँ थोड़ा सा एक तरफा मैच हो गया था, और दूसरी टीम के साथ लाइन साफ ही हो गई, वहाँ पर टाइम लग गया, और फाइनली घर पर पहुँच के अब रेस्ट करूँगा। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, और आपने जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन कर लेटेस्ट अपडेट दे। राम राम, गुड बाय।